दर्शकों, नियम है एक कि कोई भी शासकीय कार्यालय का माल या अर्थ शासकीय कार्यालय का माल अगर बेचना है, भंगार अगर बेचना है, तो उसके लिए अनुमति ली जाए, लिखी अनुमति ली जाए और उसके पश्चात टेंडर निकालकर वह माल बेचा जा सकता है। किंतु अमरावती के भाजी बाजार क्षेत्र में महानगर पालिका का दवाखाना है, जिसकी जगह लक्ष्मी नारायण मंदिर ने दी है। वहाँ दिनांक 25 को एक अजीब वाकया हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको देते हैं। वहाँ का कई माल, कुर्सियाँ, लोहा लोखंड, यहाँ तक कि एसी और फ्रिज तक बेच देने का कारनामा ठेकेदार के आदमी ने किया है। रविवार छुट्टी का दिन होने से उसका फायदा उठाते हुए ये कृत्य किया गया, बिना किसी इजाजत से और बिना टेंडर के। मनपा का ये सामान भंगार वाले को बेचा गया, कितने में बेचा गया इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। पहला कटला जो भरा गया वो ₹1170 में सामान बिका, जिसमें अंदर खुर्चिया, लोहा लोखंड और अन्य बेशक कीमती सामान था। उसके पश्चात केवल ₹2000 में ब्रांड न्यू एसी और फ्रिज बेचने का काम ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा किया गया। नया एसी कटले में जाता देखकर स्थानीय नागरिकों ने वह कटला रोका और पूछा कि यह कैसा कृत्य है कि ब्रांड न्यू एसी आप कहाँ ले जा रहे। कटले वाला इसके ऊपर जवाब नहीं दे सका, मगर उसने कहा कि मुझे ये सामान ₹2000 में ठेकेदार के व्यक्ति ने बेचा है। सामान तो पुनः वापस उतराया गया, एसी वापस रखा गया, लेकिन इस तरीके से बिना इजाजत सारा माल महानगर पालिका दवाखाने का बिकता रहा। और अमरावती के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले, इन्हें जानकारी होने पर भी कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं गई। जब हमने तपास किया खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन में कि क्या इस शिकायत की कोई नोंद हुई है या शिकायत हुई है, मामला रुपयों का है, सामान बेचने का है बिना इजाजत, बिना टेंडर के, तो उनसे हमें जवाब प्राप्त हुआ कि नहीं, ऐसा कोई शिकायत हमारे पास आई नहीं है। सिर्फ उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था जिसमें रुपए की कहीं बात नहीं आई और हम कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते, ना ही रिपोर्ट दी। सारा मामला गीले घोंगड़े में बंद कर दिया गया, ऐसा जनता का कहना है। मनपा दवाखाने ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? बेचा गया माल वापस क्यों नहीं लिया गया? बेचे माल के रुपए कहाँ गए, किस खाते में जमा हुए? और क्या बिना टेंडर के ये सामान बेचा जा सकता है? आम जनता का कहना है कि सारे कृत्यों पर पर्दा डाला जा रहा है और सारे घटना की सुई आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले पर स्थिर होती है, दिखाई देती है। आम जनता का तो यूं भी कहना है कि अनेक कार्यालयों में यही तरीका शायद अपनाया जाता हो। तू
धनंजय भाई क्या हुआ मामा? इसने यहाँ से एसी बेचा, ये मनपा का दवाखाना है, भाजी बाजार का बेचा, ये रिक्शा वाला है। अच्छा, इसने इसको खरीदा 2000 रुपए इसने इसको दिया। अच्छा, इसके पहले सामान बेचा जो, वो उसका क्या है? खड़ा रहे उधर, उधर खड़ा रहे, कुर्सी वगैरह, चेयर चेयर ले गया तूने, ये नहीं लेके गया, यही लेकर गया, मेरे रिकॉर्डिंग में है। सर जैसा इनने बेचा तो मैं लूंगा ना भाई, दे दो 2000 रुपए। इसके पहले कितने बेचे? कुछ भी नहीं लिया, पहले ही था उनको। इसने यहाँ का ठेका लिया, काय का ठेका लिया है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, नगर पालिकेचा दवाखाना आया है। बरोबर, नगर पालिका वजह पड़े की लागू करनी बैठे हम। क्या नाम है आपका? क्या नाम? विलास भाव को बुलाओ ना, विलास भाव को। विलास को सोया बोलते हैं। हाँ, ये बजा डाल। हाँ, बजाते बिल्कुल। नमस्कार, मैं अशोक जोशी।